महबूबा मुफ्ती और सैफुद्दीन सोच पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करना और शहीदों को नमन करना, कोई नमन नहीं किया गया। वो हमारे शहीद मार रहे हैं, हम बातचीत के लिए विषय कर रहे हैं। और ये देखो, ये सारे केंद्रीय मंत्री, इसका पिता केंद्रीय मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री, महबूबा मुफ्ती भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और बातें क्या कर रहे हैं? वो हमारे गोलियां मार रहे हैं, हम उनसे बातचीत करें। वो गोली मार रहे हैं, हम पैटर्न टैंक का गोला फेंके तब जा करके व्यवस्था का निर्माण होगा। और फिर महबूबा मुफ्ती कहती क्या है? गोली मिलिटेंट की और गोली आर्मी की, दोनों बराबर हैं। इस तरह की बातें करने वालों को ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? दिल्ली के श्री हमारे गृह मंत्री जी, इनको उठाओ, तिहाड़ जेल के अंदर बंद करो। और इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? जो सुरक्षा कर रहे हैं उनकी गोली सही नहीं है। वो जो इनको आपने VIP ट्रीटमेंट दिया है, जो इनको Z+ सिक्योरिटी दी है, वो इसलिए दी है कि वो इस तरह की बातें करें। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो सैफुद्दीन सोज है जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कर रहा है, और ये जो महबूबा मुफ्ती है, इस तरह की बातें करके घनौना कांड खेलने का प्रयास करना चाहती है, इनको अंदर करो, तिहाड़ जेल में फेंको और इनकी सिक्योरिटी वापस लो। और अगर ये नहीं होगा तो सारा गुस्सा दिल्ली की सरकार के प्रति लोगों का होगा। दिल्ली की सरकार ने आज कुछ रात्रि कुछ वहाँ कार्रवाई करी है, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन इससे लोग खुश नहीं हैं। वहाँ कश्मीरी पंडित को चुन चुन करके मारा जा रहा है, वो एक एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका आधार कार्ड पूछते हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये बातें ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ,
जो लोग आज यहाँ बैठ करके इस तरह की बातें करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि गोलियाँ चाहे मिलिटेंट चलाएं चाहे सेना चलाएं, ये दोनों बराबर हैं, मैं समझता हूँ उनका स्थान